हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है, मैं और मेरी बहन आए हैं मार्केट शिमला, और हम ना ऐसे ही आए थे थोड़ी देर आउटिंग के लिए, थोड़ा घूमने फिरने। और मेरी बहन को थोड़ा जन्माष्टमी का सामान लेना था, तो हम मार्केट जा रहे थे। तो अभी हम पहुँचे हैं यहाँ मॉल, और हम जा रहे हैं लोअर बाज़ार। तो इसको लेना है कान्हा जी के लिए ड्रेस। तो हम लोग सबसे पहले एक शॉप में गए, तो हम ड्रेसेस देख रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। और मेरी बहन ने एक ही रट लगाई हुई थी, मुझे येलो लेनी है, मुझे येलो लेनी है, येलो कलर लेना है, येलो कलर लेना है। तो फिर हमें कुछ येलो कलर कुछ प्यारा सा मिल भी नहीं रहा था। तो हमने इस शॉप में देखा 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 देखा, लेकिन इसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। और काफ़ी सामान लगा है मार्केट में आजकल जन्माष्टमी का, क्योंकि जन्माष्टमी आने ही वाली है। तो फिर एक दो शॉप्स के बाद हम पहुँचे इस शॉप में, और इसमें ना बहुत ही सुंदर सुंदर सी कान्हा जी की ड्रेसेस लगी थी, झूले लगे थे, और बहुत ही प्यारे प्यारे कान्हा जी भी थे। तो उसके बाद हम यहाँ पे ड्रेसेस देखने लग गए, लेकिन यहाँ पे भी इसका यही नाटक था कि मुझे येलो कलर की लेनी है। वैसे यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, और ये भी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन ये साइज़ थोड़ा बड़ा था, क्योंकि हमारे कान्हा जी थोड़े छोटे से हैं। तो फिर हमने ड्रेसेस ली, उसके बाद हम देख रहे थे उनके लिए मुकुट, मोर पंख, बांसुरी, नई नई अच्छी अच्छी सी। तो फिर ये सब कुछ लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकलने लग गए, और फिर हम पहुँच जाते हैं मॉल। तो जी, शिमला में आपको अपनी टांगें बिल्कुल तैयार रखनी पड़ती है, और इतना चलने के बाद हम बहुत थक भी गए थे, और ऊपर से इतनी धूप। तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए थे कि हम आइसक्रीम खा लेते हैं, लेकिन पहले हम आइसक्रीम खाने वाले थे, लेकिन फिर हमारा थोड़ा मूड चेंज हो गया, हमने सोचा कि शेक पी लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर किया एक शेक दोनों ने। तो फिर थोड़ी देर अपनी टांगों को आराम देने के बाद, अब हम फिर से पैदल यात्रा करने निकल चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं रिज तक थोड़ी देर घूमने फिरने, और फिर निकलेंगे डायरेक्ट घर की ओर। हाय गाइस, तो फाइनली घर पहुंच चुकी हूं, और अब क्या, अब मम्मी चाय बना रहे हैं, फिर चाय पीते हैं, और तब तक मैं फ्रेश होती हूं, चेंज करती हूं। और कोको देखो इधर, मतलब जब भी कोई आता है तो इसको खुशी अलग लेवल की होती है। हेलो गाइस, यार नींद आ गई थी मुझे जब मैं एक्चुअली चेंज किया, चाय पी, खाना खाया, फिर मैं थोड़ी देर सो ही गई थी। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैं मेरे घर के सामने एक पेड़ है, और उसमें एक ये देखो और उसमें एक ऐसा जानवर रहता है जो ना जी, कई बार तो ऐसा होता है यहाँ पे खड़े होना इतना मुश्किल हो जाता है कि आपके कान बहरे सकते, आप बहरे हो जाओगे।
या इन दो पेड़ों में से किसी एक पेड़ में रहता है वो दुष्ट प्राणी। अभी तो थोड़ा कम साउंड दे रहा है ये, बट इतना ची 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 करता है ना कि कई बार सुनाई नहीं देता कुछ भी नहीं। उधर से अगर मम्मी कुछ मुझे बोलोगे ना, वो भी चीज सुनाई नहीं देती इसकी वजह से। कहाँ है तू, कहाँ है तू? शायद आवाज आ भी रही होगी, आपने सुनना ध्यान से। मौसम खराब हो रहा है और मम्मी कर रहे कपड़े अंदर, क्या पता बारिश ही हो जाए, है ना? आपने क्यों निकाली हुई भाई मशीन? पापा ने काम जो कर लेना है बारिश में। बारिश लग गई। अरे इनके कपड़े हैं नीचे, इनके भी इतने सारे कपड़े, बोलो नीचे बच्चों। बोलो इनको, पापा दो आवाज इनको, बच्चों को भी बोल दो। ताई आ गए जंगल से, ताई के सारे पशु और ताई आ चुके हैं। टाइम पहली बार ताई टाइम से आए सच में, नहीं तो बहुत लेट मिलते इनको पशु। मम्मी को फूलों में पानी देने से इतना आलस लगता है कि मम्मी ने फूल ही आगे रख दिए है कि बारिश आएगी तो खुद पानी लग जाएगा इसमें। ये देखिए जी, मम्मी ने लाइन में रख दी है यहाँ पे फूल और यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ से ना कोको गिरा देता है इन फूलों को नीचे, फिर भी मम्मी रख रहे यहीं पे कोको कोको। और ये पता नहीं यार, सुबह सुबह कोई कुत्ता आया हुआ है हमारे घर में और यहीं पे रह गया। ये जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा। इसको खाना भी दे दिया था लेकिन फिर भी नहीं जा रहा। चलो जी बेड बॉक्स में रख देते हैं इनको। गाइस मम्मी मेरे को ऐसे रख के पता नहीं कहाँ चले गए, बोले 2 मिनट पकड़ में आ गई। मम्मी छोड़ दूँ क्या? Approximately 10 hours later. ये दोनों कमरे तो जाएंगे, तो जाएगी फिर रोजाने उसकी। ये नहीं, ये नहीं, ये तो नहीं जाएगी मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं मम्मी, तब कौन खड़ी वैसे रखने के बाद आपको एक आ जाएगी। पापा ऑफिस से आ चुके हैं, काम करने जा रहे थे लेकिन काम वाले कपड़े पहन लिए थे और ऐसे ही बैठ गए हैं बेड पे, क्योंकि बाहर मौसम खराब हो गया इसलिए पापा अब नहीं जा रहे काम करने। ये देखो काले काले बादल आ चुके हैं। कोको कितना प्यारा सोया हुआ है। और गाइस ये रहा वो तुलसी का पौधा, इसमें तुलसी लग चुकी है। इसमें तो जा नहीं रहा था नीचे नीचे को, तो इसको ऐसे ही रखा है अभी बाहर बाहर। वैसे मम्मी ने इसमें बीज डाला था ना, वो निकला तो था नहीं, ये पता नहीं मम्मी ने कहीं और से लाई हुई शायद तुलसी। कौन सी पर मम्मी जहाँ हमने जाना मम्मी भी पीछे ही चलेंगे। तो ये काम चला हुआ भैया, इसको भी देख रहे हैं। और भैया के ना एक्चुअली रूम का काम चला हुआ था, तो भैया बोलते कि मेरी टाइल अच्छी लगी, तो हमने देखी थी हमें अच्छी लगी, लेकिन फिर भी भैया ने बोला और चल, तो हम और जा रहे हैं और मम्मी भी चल पड़े पीछे।
यहाँ से परे वाली तरफ है भैया का, और यहाँ पे हमारा भी कंस्ट्रक्शन पे हो रहा है। जैक की आदत है ये सारी बॉटल्स, दुनिया भर की बॉटल्स, गंदी अच्छी जैसी भी, सारी घर को ढोके लाता है। क्या नहीं लग, नहीं भैया हमने देखी थी, हमें अच्छी लग रही है। ये वाले टाइल्स बोल रहे भैया मुझे अच्छी लगी अब लगाने के बाद, लेकिन अच्छी है। तो ये अच्छी लग रही है भैया, हाँ काफी अच्छी लग रही है, अभी तो काफी है। वैसे तो रेडी है पर काफी काम रह ही गया है उसमें, बाथरूम, ये किचन। चलो जी किचन की ओर चलते हैं और कुछ बनाते हैं। देखो आ गई ना इनकी आवाजें, जैसे शोर करने वाले, मतलब एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते आप शाम के टाइम, इतना शोर करते हैं ये कीड़े। ये देखो सुनाई दे रही है, मम्मी चलेगी उसको भगाने, जो यहाँ पे वो छोटा सा डॉगी आ गया था ना। हाँ आ गया ऊपर, भगाओ आप इसको। सारी सारी मूवीज फोन में ही देखी जाती है, नहीं फोन में ही मतलब फेसबुक में, हर एक मूवी पापा फेसबुक में ही देखते हैं। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग, और पापा मूवी देख रहे हैं, मम्मी खाना बना रहे हैं, मैं जोत दे रही हूँ, आरती करने जा रही हूँ, और आप लोग तब तक मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बाय बाय।